हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल सोनरिया। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स का हॉल शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने अमेजोन और नायका दोनों से मंगवाए हैं। सो इट्स अ मिक्स ऑफ नायका प्रोडक्ट्स एंड अमेजोन प्रोडक्ट्स। सो मोस्टली इसमें फ्रेंड्स आपको मेकअप प्रोडक्ट्स मिलेंगे, स्किन केयर आई थिंक एक या दो ही हैं। सो चलिए वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कौन कौन से न्यू मेकअप प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं। सो वैसे तो इसमें मैंने सारे प्रोडक्ट्स रख ली हैं, तो चलिए वन बाय वन मैं आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। मैंने इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं और मैंने इसे फर्स्ट टाइम ट्राई किया है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आई थिंक बहुत सारे लोग इसे यूज़ भी कर रहे होंगे। अगर आप लोग इसे यूज़ कर रहे हो और आपको भी ये बहुत अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेकअप फिक्सर कैसा लगता है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। इसके अंदर फ्रेंड्स एलोवेरा है विद विटामिन ई है। इसके ऊपर मेंशन है फ्रेंड्स कि आपको इसे बिफोर मेकअप भी यूज़ कर सकते हो और आफ्टर मेकअप भी यूज़ कर सकते हो। यूजुअली आई थिंक सभी लोग जानते हैं कि मेकअप फिक्सर्स को कैसे यूज़ किया जाता है। सो ये कुछ इस टाइप के क्यूट सी पैकेजिंग में है। मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी और ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है फ्रेंड्स। 249 रुपीज़ का मुझे ये मिला है। इसमें मेंशन है कि आप इसे मेकअप यूज़ करने से पहले अपने फेस पे स्प्रे कीजिए, उसके बाद अपना फाउंडेशन बेस कीजिए तो वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है। सो मैं इसे सिर्फ अपना मेकअप सेट करने के लिए यूज़ करती हूँ, प्राइमर के लिए नहीं यूज़ करती हूँ। सो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी देर तक मेरे बेस को लॉक करके रखता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी हाइड्रेटिंग भी है, बहुत ज़्यादा फेस को मैट नहीं करता। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अफोर्डेबल भी है। सो मैं इसे ट्राई करना चाहती थी। आप भी चाहे तो इसे यूज़ कर सकते हैं और अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। जो सेकेंड प्रोडक्ट कह सकते हैं या मेकअप टूल कह सकते हैं वो है ये कलर बार का स्मजर ब्रश। मुझे एक अच्छा स्मजर ब्रश चाहिए था और जो काफ़ी अफोर्डेबल भी हो। सो मैंने ये परचेज़ किया है नायका से। इसका प्राइस वैसे फ्रेंड्स 250 रुपीज़ मेंशन है, आई थिंक मैंने डिस्काउंट में ही लिया है, 250 रुपीज़ का नहीं है। सो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। मुझे स्मज्ड काजल बहुत अच्छा लगता है। उससे ये भी होता है कि काजल बहुत ज़्यादा स्मज नहीं होता है अगर आप पहले ही इसको स्मज कर दो और सेट कर दो तो। और एक काफ़ी अच्छा स्मजर ब्रश है और काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी अच्छे ब्रिस्टल्स हैं। सो अगर आप भी एक स्मजर ब्रश लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसे परचेज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। स्विस ब्यूटी का हाइलाइटिंग प्राइमर और फ्रेंड्स इसमें जो मेरा शेड है वो है 01 नेचुरल टिंट। बिकॉज मैंने इसके बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं, एक आई थिंक इसमें गोल्डन शेड आता है, एक पिंक में आता है और एक ये नेचुरल टिंट आता है। सो इस पर मेंशन है ये ब्राइटन करता है और पोर्स को मॉडिफाई करता है, मॉइस्चराइज रखता है आपके फेस को। और फ्रेंड्स इसका प्राइस 349 रुपीज़ है और आई थिंक ये मैंने 349 रुपीज़ में ही परचेज़ किया है, इस पर मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला है। मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं। तो फ्रेंड्स ये अंदर से कुछ इस टाइप की ग्लास पैकेजिंग में है और इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है स्विस ब्यूटी की। और ये ऐसे ओपन होता है और यहाँ पंप है और मैं आपको शेड दिखाती हूँ नेचुरल टिंट। सो फ्रेंड्स इस पे मेंशन है कि आप इसे एज अ बेस भी अप्लाई कर सकते हैं और आप इसे अपनी फाउंडेशन बीबी क्रीम में भी मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसे अपना फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करने के बाद अगर आप अपने हाईएस्ट पॉइंट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो इन्हें अपने क्यूपिड्स बो पे और अपने चीक्स के ऊपर जहाँ जहाँ आप हाइलाइटर अप्लाई करते हैं वहाँ इसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ग्लो देता है और काफ़ी अच्छी शीन देता है, तो मुझे ये शेड बहुत अच्छा लगा। मुझे इसका गोल्डन शेड ना थोड़ा सा ज़्यादा ओवर को बहुत ज़्यादा चंकी ग्लिटर्स लग रहे थे, इसलिए मैंने उससे परचेज़ नहीं किया, मैंने नेचुरल परचेज़ किया। बिकॉज मैं चाहूँ तो इसे डेली में भी यूज़ कर सकती हूँ एक अच्छे से ग्लो के लिए, अपनी बीबी क्रीम के साथ मिक्स करके या फिर इसे अप्लाई करने के बाद मैं पाउडर भी यूज़ कर सकती हूँ। सो आप भी चाहें तो ये शेड ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा और काफ़ी नेचुरल लुक देगा आपको। सो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी बिकॉज ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है और इसकी क्वान्टिटी भी बहुत ज़्यादा है, 30 ml क्वान्टिटी मिलेगी आपको 350 रुपये में। सो आई लव दिस हाईलाइटर कम प्राइमर।
नेक्स्ट जो मैंने परचेज़ किया है वो है कलर बार का जूम एंड वूश मस्कारा, और फ्रेंड्स इसमें मेरा शेड ब्लैक है, और ये 9 ml प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, और इसका प्राइस 650 rupees मेंशन है, बट मैंने इसे नायका से परचेज़ किया तो आई थिंक उस टाइम कोई सेल चल रही थी तो मुझे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिला है। मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी मुझे कितने का रिसीव हुआ था। इस पे मेंशन है ये वाटरप्रूफ मस्कारा है, क्रुअल्टी फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, और ऐसा कुछ खास इस पे मेंशन नहीं है। यहाँ पे आपको इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे इसके, ये कुछ अंदर से ऐसा दिखता है, और मैं इसे पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, ये मैंने सेकेंड टाइम परचेज़ किया है। काफ़ी टाइम से मैंने इसे यूज़ करना छोड़ दिया था बिकॉज मेरे पास और भी बहुत सारे मस्कारा थे, मैं उन्हें यूज़ कर रही थी। मुझे ये मस्कारा काफ़ी पसंद है इसलिए मैंने इसको रीपरचेज़ किया है, और ये इस तरीके से आता है, और मुझे इसका जो ये वॉन्ट है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है इसकी स्टिक, बिकॉज ये थोड़ी लंबी है ना, तो इससे ना आप आई लैशेज को कर्ल करने में बहुत आसानी होती है, और इसका वॉन्ट इतना अच्छा है कि एक्सेस प्रोडक्ट पिक ही नहीं करता है, जो एक्सेस प्रोडक्ट होता है वो अंदर ही रह जाता है, जितना नीड होता है उतना ही इसमें रहता है, और ये मेरे लैशेस को बहुत अच्छी वॉल्यूम देता है, लेंथ देता है, और बहुत ही अच्छे से बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। मैं इसका एक ही कोट अप्लाई करती हूँ और मेरी लैशेस बहुत अच्छी हो जाती हैं। मैं अगर आप एक अच्छा मस्कारा ट्राई करना चाहते हैं तो आई थिंक 650 rupees थोड़ा सा ज़्यादा है, बट आप सेल का वेट कर सकते हैं, आपको ये काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल सकता है, और ये काफ़ी अच्छा मस्कारा है। आई विल हाईली रिकमेंड दिस मस्कारा। अगर आपको हैवी मस्काराज नहीं पसंद हैं तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी लाइट लगता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता मैंने लैशेज पे कुछ अप्लाई किया है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने कलर बार से ही परचेज़ किया है, वो है कलर बार का ये 24 hour वेटलेस पाउडर फाउंडेशन, और फ्रेंड्स इसका प्राइस है 995 rupees, बट मैंने आपको कहा ना उस समय सेल चल रही थी तो आई थिंक मैंने 700 rupees में मुझे ये रिसीव हुआ है डिस्काउंट में, मैं स्क्रीन पे आपको मेंशन कर दूंगी फ्रेंड्स। और इसमें मेरा शेड है PF 10, एक्चुअली इसमें शेड्स आउट ऑफ स्टॉक हो रहे थे, मैंने इसमें PF 10 मंगवाया, एक शेड डार्क है ये मेरी स्किन पे, बट मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ ये हो जाता है, आई मीन नेचुरल लगता है, अच्छी लुक आती है। इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, और फ्रेंड्स इसके अंदर SPF 30 भी है। अगर आप मैक की पाउडर फाउंडेशन पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि थोड़े कम प्राइस में, मतलब ऑल दो ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव है, आई मीन 995 rupees, बट आप सेल का वेट कीजिए और इसे परचेज़ कीजिए, आपको ऑलमोस्ट वैसी ही लुक आएगी मैक की जो पाउडर फाउंडेशन है। ये अंदर से कुछ इस टाइप का दिखता है, इसकी पैकेजिंग बहुत ही सुंदर है, बहुत ही लग्जूरियस है, ये देखिए, और आप डेफिनेटली इसे ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो मैं इसे डेली में ना डेली के लिए यूज़ कर लेती हूँ, बट मैं इसमें एक शेड लाइट भी मंगवाऊंगी बिकॉज इसकी कवरेज बहुत अच्छी है और फेस को ना एकदम स्मूथ कर देता है जब इसे अप्लाई करते हैं। मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ, ये ना मैग्नेटिक फॉर्म में है, यहाँ पे मैग्नेट्स हैं तो ये क्लिक हो जाता है, और ये इसका शेड है, और ये ना इस पफ के साथ रिसीव हुआ था, मैंने एक बार इस पफ को यूज़ किया इसलिए थोड़ा सा डर्टी है। इसका शेड है ये देखिए, ये थोड़ा सा डार्क है मेरे लिए, बट इसकी कवरेज ना बहुत अच्छी है, ये देखिए। मैं इसमें एक शेड लाइट भी परचेज़ करूँगी बिकॉज ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं एक नई पाउडर फाउंडेशन तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी है ये भी। शेड भी बहुत सारे हैं इसमें तो आपको अपना परफेक्ट शेड ज़रूर मिल जाएगा। मैंने नायका से कलर बार के टोटल 3 प्रोडक्ट्स परचेज़ किए थे तो मुझे कलर बार की तरफ से ये एक फ्री प्रोडक्ट मिला है। ये है उनका, पहले आप पैकेजिंग देखिए कितनी सुंदर है फ्रेंड्स। ये है उनका कलर बार का बॉर्न टू ग्लो लिप फिलर ब्लरर कह सकते हैं आप। इस पे मेंशन है बॉर्न टू ग्लो लिप कलर एनहांसर, और फ्रेंड्स ये मुझे फ्री मिला है, देख सकते हैं यहाँ फ्री मेंशन है। मैंने कलर बार के बहुत 2-3 प्रोडक्ट परचेज़ किए थे इसलिए मुझे कलर बार से फ्री मिला है, और फ्रेंड्स इसका प्राइस 750 rupees है। मैं आपको दिखाती हूँ प्रोडक्ट, ये कुछ इस टाइप का है, और इसमें जो मेरा शेड है वो है 6 number, ये देखिए। इसमें आई थिंक 2-3 shades और आते हैं, और ये
ऐसे लिपस्टिक फॉर्म में है, और इसका जो शेड है वो ये रहा, ये देखिए बहुत ही प्यारा शेड है ना। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसका एक शेड और परचेज करूँगी। वैसे तो ये मुझे फ्री मिला है, बट मैं इसका परचेज करूँगी बिकॉज़ ना बहुत ही प्यारी सी टिंट देता है लिप्स पे, और एकदम ग्लॉस फॉर्म में है। मैं आपको स्वाच करके दिखाती हूँ, ये देखिए इसका जो ये जो शाइन है, जो जो शी इसकी ये जो शीन है ना, ये एज इट इज़ ही रहती है काफ़ी देर तक, काफ़ी घंटों तक ऐसे रहती है, बिल्कुल भी मैट नहीं होता, ऐसे शाइनी रहता है। तो ये ना एकदम लिप ग्लॉस वाली फील देता है, तो मुझे आजकल ये बहुत पसंद आ रहा है, मुझे काफ़ी यूज़ कर रही हूँ इसे। सो डेफिनेटली मैं इसका और शेड परचेज करूँगी, तो आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट चीज़ मैंने परचेज करी है वो है एक ब्लश। फ्रेंड्स ये फ्लावर ब्यूटी का फ्लावर पॉट पाउडर ब्लश है। मैं काफ़ी टाइम से ब्लश लेना चाहती थी, बट सेल का वेट कर रही थी बिकॉज ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है फॉर अ ब्लश। इट रिटेल 750 रुपीज़ फ्रेंड। सो एक ब्लश के लिए 750 रुपीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। सो फाइनली मैंने इसको सेल में परचेज़ किया। मैं आपको सेल प्राइस इसका स्क्रीन पे दे दूँगी। आई थिंक 638 रुपीज़ का मैंने इसे परचेज़ किया है। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, और मुझे ये बहुत पसंद आया। पहले मुझे ऐसा लगा था कि ये शेड मेरे को बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये शेड मुझे परफेक्टली मैच हो गया है। काफ़ी सुंदर लगता है मेरी स्किन टोन पे। अगर आप फेयर टू मीडियम अगर स्किन के हैं तो आपकी स्किन पे बहुत अच्छा लगने वाला है। इसका शेड फ्रेंड्स पीच प्राइम रोज़ है, इसका शेड है पीच प्राइम रोज़। ये देखिए अंदर से देखिए कितना प्यारा इसका लुक है, इस पर रोज़ बना हुआ है। फ्रेंड्स इसको मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ, और आई थिंक बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ, जब से आया है मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। स्टिल मैं आपको इसका स्वॉच दिखा देती हूँ, ये देखिए ये देखिए इसका स्वॉच है, और ये बहुत अच्छा ब्लश है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, बट स्टिल वर्थ इट है, काफ़ी अच्छा ब्लश है। मैं डेफिनेटली इसमें और शेड्स भी परचेज करूँगी, तो आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो एक स्किन केयर है। यह है जूसी केमिस्ट्री का 100% ऑर्गेनिक बल्गेरियन रोज़ वाटर टोनर मिस्ट फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन टाइप। इसमें कोई अल्कोहल नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई सिंथेटिक नहीं है, कोई फ्रेग्रेंस ऑयल नहीं है। ये आपके पीएच स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, और ये क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है, और 110 ml ऑफ क्वांटिटी है इसकी, और यही मेंशन है इसके ऊपर। आपको डायरेक्शंस दी गई हैं इसे यूज़ करने की, और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी इस बॉक्स के ऊपर इस रोज़ वाटर की। और इसके प्राइस की बात करूँ तो फ्रेंड्स ये प्राइस में थोड़ा सा हाई है। ये 110 ml 650 रुपीज़ का आपको रिसीव होगा, और इस पर कोई डिस्काउंट नहीं था, मैंने इसे अमेजोन से परचेज़ किया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये बॉटल है और ये ग्लास बॉटल है फ्रेंड्स। मैं आपसे कहूँगी अगर आप ग्लास बॉटल को मेंटेन कर सकते हैं तो ही आप इसे रिसीव कीजिएगा, बिकॉज़ अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इसे बाहर नहीं रख सकते, आपको इसे लॉक करके ही रखना पड़ेगा बिकॉज़ ये ग्लास बॉटल है। बट प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये देखिए इसका मिस्ट बहुत ही फाइन है, बहुत ही फाइन है, और इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। I mean, मेरे को रोज़ फ्रेगनेंस बहुत अच्छी लगती है, और काफ़ी अच्छा फेस को हाइड्रेट भी रखता है। मैं इसे यूज़ करना चाहती थी, ट्राई करना चाहती थी, और मुझे बहुत पसंद आया। अगर आप एक अच्छे टोनर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रोज़ टोनर में जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का हो, कोई हार्मफुल केमिकल्स ना हो, और तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। आई विल हाईली रिकमेंड दिस रोज़ वाटर। मैंने ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर परचेज़ किया है, इसमें मेरा शेड है 04 मीडियम बेज। आई थिंक बहुत सारे लोग इसे यूज़ कर रहे होंगे, मैं थोड़ी सी लेट हूँ। मैंने इसमें शेड 04 मीडियम बेज लिया है, और इस पे मेंशन है फ्रेंड्स कवर द ब्लैमिशेस एट वन स्ट्रोक। ओके, और इसका प्राइस 229 रुपीज़ है। आई थिंक मैंने इसे 200 रुपीज़ में परचेज़ किया है। शेड काफ़ी अच्छे से मैच हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है।
मुझे सिर्फ अपने डार्क सर्कल्स और कुछ जो स्पॉट्स हैं उनको कवर करने के लिए चाहिए था, सो मैंने सोचा व्हाई नॉट इसे ही ट्राई किया जाए। इससे पहले मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर ट्राई नहीं किया है, यूज़ नहीं किया है, सो ये फर्स्ट टाइम है कि मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर परचेज़ किया है। अगर आप भी इस कंसीलर को यूज़ कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कंसीलर कैसा लगता है और आप कौन सा शेड यूज़ कर रहे हैं। मैंने तो बेज मंगाया है, 04 बेज, मीडियम बेज। मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरी स्किन से जाएगा, बिकॉज मैं हाइलाइटिंग के लिए कंसीलर यूज़ नहीं करती, करेक्ट करने के लिए करती हूँ, तो थोड़ा सा डार्क शेड लेती हूँ, अपने स्किन टोन से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच लेती हूँ या उससे एक शेड डीप लेती हूँ ताकि वो करेक्ट कर सके। सो काफ़ी अच्छे रिव्यू सुने हैं, यूज़ करने के बाद आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि मुझे ये कंसीलर कैसा लगा, और अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप भी मुझे बता सकते हैं कि ये कंसीलर कैसा है। ओके तो कमेंट कीजिए। जो लास्ट प्रोडक्ट हैं वो भी स्विस ब्यूटी के हैं, सो मैंने स्विस ब्यूटी से उनकी ये नॉन ट्रांसफर वाटरप्रूफ लिपस्टिक परचेज़ की है। प्राइस इसका आई थिंक 249 रुपीज़ है या 299 रुपीज़ है, मैं स्क्रीन पे आपको मेंशन कर दूंगी बिकॉज इसकी आउटर पैकेजिंग नहीं थी। सो फ्रेंड्स, इसमें मैंने जो फर्स्ट शेड लिया है वो है 421 लस्ट, ये बहुत ही प्यारा नेचुरल पिंक शेड है, और जो सेकंड शेड लिया है वो है मैंने 418 रस्टी न्यूड। ये दोनों शेड बहुत ही प्यारे हैं और मैंने ऐसे शेड पिक किए हैं जो मैं डेली में अप्लाई कर सकूँ। सो मैं ट्राई करना चाहती थी, अगर मुझे अच्छा लगता तो मैं और शेड मंगवाऊंगी। सो ये है लस्ट, ये लास्ट शेड है, आई मीन इट्स अ 421, और ये है वेरी प्रिटी ब्राउनिश शेड। देखिए कितना सुंदर शेड है, आई लव दिस शेड, और ये लिपस्टिक ना बहुत ही क्रीमी है। ये है रस्टी न्यूड, ये दोनों शेड्स हैं। और लास्ट जो स्विस ब्यूटी से मैंने परचेज़ किया है वो है ये 3 ग्लिटर आई शेडोज़। ये 500 रुपीज़ में मेरे को 3 रिसीव हुए हैं, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ देखे हैं मैंने इन आई शेडोज़ के। सो जो फर्स्ट शेड है वो है 03 शैम्पेन, है 02 डायमंड डस्ट, एंड जो लास्ट शेड है वो है 06 मोल्टन मिडनाइट। मैं स्क्रीन पे आपको इनका नेम मेंशन कर दूंगी, और ये काफ़ी अच्छे लिक्विड आई शेडो हैं, बहुत अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं, मैंने अभी तक इन्हें यूज़ नहीं किया है, तो डेफिनेटली मैं आपको इन्हें यूज़ करके इनका रिव्यू शेयर करूँगी आपके साथ कि मुझे कैसे लगे। और अगर आपको इनमें से कोई शेड पसंद है या आपके पास ऑलरेडी शेड है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसे लगते हैं ये शेड और कैसे हैं, बिकॉज मैंने इसे फर्स्ट टाइम परचेज़ किया है। मैं आपको स्वॉच दे देती हूँ इनके, इन तीनों शेड्स के। सो ये देखिए, ये रहे तीनों शेड्स, और तीनों ही शेड मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं किसी भी एक सिंगल आई शेडो को अप्लाई करके इन्हें अप्लाई कर सकती हूँ। ये ऐसा शेड है कि किसी भी आई शेडो के ऊपर, एक सिंगल आई शेडो के ऊपर अप्लाई करने के बाद बहुत सुंदर लगेगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। सो ये था मेरा छोटा सा कह सकते हैं हॉल, कम रिव्यू भी कह सकते हैं। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा। प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।